सो फाइनली आज की क्लास स्टार्ट करते हैं मैथ्स के। आपके व्यापक और पीएससी में क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे। पांच क्वेश्चन आपको मैं बताने वाला हूं, ये पीएससी और व्यापक में पूछे गए हैं। जो लोग हॉस्टल वालों ने तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आयु संबंधी प्रश्न जो कि हर एक एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, लेटेस्ट टाइम पर लेटेस्ट वीडियो अपलोड की जाती है। ज़्यादा देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, देखिए एक पिता अपने पुत्र की आयु से दो गुनी है, यानी कि एक पिता अपने पुत्र की आयु से कितनी गुनी है, दो गुनी है। अब पूछा गया है कि 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। कितनी थी? 20 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आप आंसर कमेंट करते जाइएगा आंसर क्या आएगा, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है 44 वर्ष, ऑप्शन बी कहता है 22 वर्ष, और ऑप्शन सी कहता है 33, और ऑप्शन डी कहता है नॉन ऑफ दिस। क्या आएगा जल्दी से कमेंट करें, तल मैं आपको सॉल्व करता हूँ। किन लोगों का आंसर आ चुका है जल्दी से कमेंट करें। एक पिता की आयु अपने पुत्र की आयु से दो गुनी है, मान लीजिए उसके पुत्र की आयु x है और पिता की आयु 2x है। अब पूछा गया 20 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु से 12 गुनी थी। 20 वर्ष पहले, इन दोनों में 20 वर्ष पहले पूछा गया है, तो हम निकालेंगे 2x माइनस 20, 20 वर्ष पहले यहाँ पर पूछा गया है, इसका भी आ जाएगा 20 वर्ष पहले पुत्र की आयु 12 गुनी थी, यानी किसकी गुनी थी, पुत्र की 12 गुनी थी, ठीक है। अब इसको नोट करते जाइएगा, ये आपका 2x माइनस 20 बराबर 12x इसका हो जाएगा, और 12 से 20 को गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 यानी कि 240। अब इसको क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे, पक्षांतर। अब इसको देखिए, ये इधर चला जाएगा तो 12x माइनस 2x बराबर 240 माइनस 20, ठीक है। अब देखिए, अब इसमें घटाएंगे कितना जाएगा 10x, और इसका हो जाएगा आपका 220। अब यहाँ से एक जीरो कैंसिल करेंगे, कितना जाएगा पर एक्स बराबर 22, ठीक है, एक्स बराबर 22 अभी आया नहीं है। अभी क्या पूछा गया, पिता की वर्तमान आयु पूछा गया है। ये आपका एसएससी व्यापम और पीएससी में आया हुआ प्रश्न है। देखिए ये पिता की वर्तमान आयु पूछा गया, अभी एक्स बराबर 22 निकल कर आया है, एक्स बराबर 22। जिन लोगों का आंसर बी आया है बिल्कुल गलत है, वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको समझाने वाला हूँ। देखिए एक्स बराबर 22 आया है, ये पुत्र का है, यहाँ पर पूछा गया पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु कितनी थी, 2x थी, तो आप यहाँ निकाल के 22 गुणा 2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 44 वर्ष। जिन लोगों का आंसर ए आया है बिल्कुल सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण प्यारा सा, कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए ए व बी की आयु का अनुपात 4:3 है, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 है। अब बताया गया है 6 वर्ष बाद ए की आयु 34 वर्ष होगी, 6 वर्ष बाद, ठीक है, ए की जो आयु है 34 वर्ष है, तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी, बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो देखिए ए और ये बी हो गया आपका, ठीक है, ए और बी हो गया, ए और बी की आयु का अनुपात 4:3, तो ए का मान लेते हैं 4 और बी का मान लेते हैं 3, ये आपका 100 हो गया। अब पूछा गया 6 वर्ष बाद, ठीक है, 6 वर्ष बाद ए की आयु, तो हम ए को सॉल्व करते हैं, बी को नहीं करेंगे, ए को सॉल्व करेंगे, किसका पूछा गया है, ए की आयु पूछा गया है, ए की आयु 34 वर्ष बाद, 34 वर्ष बाद। अब चलिए ए को सॉल्व करते हैं यहाँ पर, तो ये हो जाएगा इधर पक्षांतर कर देंगे तो 4x बराबर 34 माइनस 6, तो कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा, तो 4x बराबर 28, तो 4 से कर देंगे तो x बराबर आवश्यक आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, x बराबर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। अब पूछा गया b की वर्तमान आयु, तो b की वर्तमान आयु कितनी थी, 3x, तो यहाँ पर रख लेते हैं 3x बराबर कितना हुआ, 3 गुणा x मान कितना, 7, यानी कि 21 वर्ष, यानी कि बी की वर्तमान आयु कितनी होगी, 21 वर्ष होगी। जल्दी से कमेंट कीजिएगा किसका आंसर आ चुका है, तो यहाँ पर आ जाएगा ए आंसर 21 वर्ष होगी। अगर पूछा जाता ए की वर्तमान आयु क्या होगी, तो ए की वर्तमान आयु होगी, यहाँ पर कितना आया था, ए की वर्तमान आयु 4x, तो 4x बराबर कितना, 4 गुणा 7 यानी कि 7 4 28, यानी कि ए का पूछा जाता तो आपका आंसर सी होता, लेकिन यहाँ पर बी का वर्तमान आयु पूछा गया है।
जल्दी से तैयारी करने के लिए हॉस्टल वार्डन के वीडियो को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। डेली शाम 5 बजे क्लासेस कराई जा रही है। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, एलसीएम और एमसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, ये दो क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, यदि दो संख्याओं का एलसीएम 864 है तो इसका महत्तम समापवर्तक 140 है, यदि एक संख्या 288 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखिए, दो संख्याओं का एलसीएम, इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा आपका 144 × 864/288। अगर इसको काटेंगे तीन बार में जाएगा तो 144 का तीन बार में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 × 12 = 2 + 1, फिर 4 × 12 = 13 + 1 और 3 × 1 = 4 यानी कि 432। तो दूसरी संख्या क्या होगी, 432 होगी। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए पूछा गया है, तो 0.45, 2.7 और 1.5 का एलसीएम निकालना है। तो देखिए यहाँ पर इसका आ जाएगा आपका 45/100, 27/10 और 15/10। इसका एलसीएम निकालेंगे और इसका एचसीएफ निकालेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक। ठीक है, अब यहाँ से हो जाएगा इन तीनों का पहले एलसीएम निकालेंगे, तो 45, 27 और 15 का एलसीएम निकालेंगे कितना आ जाएगा, इसी प्रकार इसका 100, 10 और इसका 10 यानी कि इसका एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे तो इतना 10 आ जाएगा और इसका एलसीएम निकालेंगे तो 135 आ जाएगा, यानी कि 45 × 27 × 15 इसका शॉर्ट रूप में लिखेंगे तो 135 इसका आ जाएगा एलसीएम। तो इसका आंसर होगा आपका 135/10 यानी कि इसका आंसर 135/10 होगा एलसीएम निकालने का। अब देखिए यहाँ पर 24 और 30 का अगर एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा, कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या आएगा। आप सभी के लिए एक सवाल है, 24, 36 और 60 का एलसीएम निकालिए, 24, 36 और 60 का एलसीएम निकालें। ठीक है, आप सभी के लिए सवाल, इसका आंसर जल्दी से कमेंट में करें, इसका क्या आएगा, 24, 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा, 24, 36 और 60 का लघुत्तम समापवर्तक। 36 और 36 60 × 5 = 15 × 15 = 20 30 × 60 और 60 × 36 = 360 यानी कि 360 इसका एलसीएम 360 होना चाहिए। किन लोगों का आंसर आया है 360, किस लोगों का आंसर आया है 360, ये 360 आएगा इसका एलसीएम। ठीक है, एक सवाल आपके लिए, 36 और 72 का एचसीएम निकालना है, 36 और 72 का एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक निकालना है, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। और एक और क्वेश्चन है, 24, 36 और 48 का एलसीएम निकाले यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, 24, 36 और 48 का लघुत्तम समापवर्तक और 36 और 72 का महत्तम समापवर्तक, इन दोनों का आंसर आप कमेंट में बताइएगा। ठीक है, इन दोनों का आंसर कमेंट करें क्या आएगा, इसका एलसीएम निकालना है और इसका एचसीएफ निकालना है। ये क्वेश्चन है, इसको आंसर में कमेंट करें।